बिजली कर्मियों की हड़ताल की गूंज पूरे प्रदेश भर में दिखने लगी है। इस हड़ताल की वजह से प्रयागराज के दारागंज, बख्शी कला, मम्फौटगंज, बख्शी खुर्द, अलोपी बाग, सलोरी, तेलियरगंज, कटरा, बघाड़ा सहित दर्जनों इलाकों की भी बिजली कल देर रात से ही नहीं है। लोग लाइट बिजली के साथ साथ पानी को भी तरस गए। पूरे शहर में हाहाकार मचा हुआ है। प्रयागराज में बिजली न होने के कारण लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कल सुबह 7 बजे से लाइट कटी है और अभी तक लाइट नहीं बहाल हुई, जिससे वहां के लोगों में काफी गुस्सा है, क्योंकि गर्मी और मच्छरों के आतंक से लोग रात भर नहीं सो सके। पावर हाउस में सभी कर्मचारी नदारद दिखाई पड़े, जिससे कि विद्युत आपूर्ति ना हो पाने के कारण लोगों ने सड़क पर उतरकर कानपुर हाईवे को जाम कर दिया। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वहां पर विद्युत आपूर्ति नहीं चालू की गई। लोगों में आक्रोश होने के कारण पब्लिक रोड पर आकर पावर हाउस के सामने चक्का जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि कम से कम बिजली तो दे 24 घंटे के ऊपर हो चुके हैं और अभी तक विद्युत आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ये बच्चे लोग कहाँ पिए पानी, पिए ना लैट्रिन का पानी है, ना खाना बनाने का पानी, ना नहाने धोने का पानी आ रहा है, कहाँ से करेगा। 24 घंटा से ज्यादा हो गया है। पानी दीजिए, लाइट दीजिए। पानी कितने दिनों से आज कई दिन से नहीं हो रहा भाई, बत्ती कैसे कर जाए। 24 घंटा हो गया लाइट नहीं आ रही, और जगह जगह लाइट दिए हैं, यहाँ की लाइट काटे हुए हैं। स्ट्रीट लाइट जल रही है, देखिए स्ट्रीट लाइट जल रही है, बगल में लाइट जल रही है, VIP लाइट जल रही है, और कहीं लाइट नहीं जल रही है।